गांजे के पेड़ लगा रखे केदारनाथ में। किस तरीके से लेके जा रहा है? फोटो वाले बातचीत लफ्जों से करे मारपीट घरों ने सारे काटी हाँ होती कलम से काटपीट तेरी बातों में बात नहीं। सो हेलो गाइस, दिस इज अमेज़न एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो। किन किन बातों का ख्याल रखा जाना चाहिए जब आप केदारनाथ आओ, तो वो भी मैं आपको आगे बता दूंगा। इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है पे? भाई जितने इंसान नहीं उससे ज्यादा यहाँ खच्चर मिलेंगे तुम्हें, और सब खच्चर की वजह से इंसान चल ही नहीं पा रहा। अब ये देख सकते हैं रोड कितना गंदा हुआ है यहाँ पे, टोटली रोड गंदा मिलेगा। खच्चरों की वजह से जाम है बहुत ज़्यादा, खच्चरों का जाम है। गाइस देखिए बर्फ, ये देखो पैरों के लिए बना रखे हैं, पैर रख सकते हैं हम लोग, इससे क्या थोड़ा टाइम बच जाएगा हमारा, थोड़ी सी चूक बस। लिपि रास्ता गाइस थोड़ा सा स्लीपी है, इसलिए थोड़ी सी चूक हुई पर मैं गया नीचे। पैरों को मजबूत, हाँ गिर गया ना, इसलिए गाइस इस चीज़ का खासा ध्यान रखें। दोस्तों घर वापसी का सफ़र जारी है अभी, और अभी पता नहीं चल रहा कहीं साइन बोर्ड तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा ऐसा कि मैं बता पाऊँ कि मैं कितना किलोमीटर दूर हूँ। दोस्तों ऐसे मज़ा तो आया है सफ़र में, लेकिन काफ़ी सारे चैलेंजेस को भी सामना करना पड़ा। दोस्तों सफ़र जारी है, देख सकते होंगे गाइस घोड़ा जो है इंजर्ड हो गया है, नहीं चल रहा है, उसे मार के ले जा रहा है। इतनी क्रूरता भी सही नहीं है दोस्तों, जानवर पर इतनी क्रूरता करना। दोस्तों मेरी नज़रों में ये लोग जो हैं सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, और एक और है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये पालकी टाइप से बना लेते हैं, तो चार बंदे वन पर्सन को वॉरिकम से लिफ्ट करते हैं और केदारनाथ तक लेके जाते हैं, और केदारनाथ से लिफ्ट करते हैं वॉरिकम में ड्रॉप करते हैं। गाइस वो जिसकी मैं बात कर रहा था वो ये है जो कि वन पर्सन को लिफ्ट करते हैं, और इस तरीके से एक टोकरी टाइप से होती है बाकी लकड़ी की, इस तरीके से लिफ्ट कर लेते हैं और उन्हें लेके जाते हैं। देख सकते होंगे गाइस ये पीछे ही आ रहा है बंदा, किस तरीके से लेके जा रहा है गाइस, ये देख सकते होंगे ना किस तरीके से पड़ा हुआ, कितनी इतनी कोई बता भी अच्छी नहीं होती।
कि अपने जेब भरने के लिए लोग बाग इस पे एनिमल पे अत्याचार कर रहे हैं। इतना भाई से यहीं खड़ा कर लो यार, और ज़्यादा तक कितनी दूर देख लो आप। सो गाइस टाइम हो रहा है एक बज रहा है दोस्तों, और मैं फाइनली गौरीकुंड पहुंच गया हूं। अब यहां से मुझे जो शेयरिंग वाली जीप होती है वो लेनी है, उसके बाद मैं जाऊंगा सोनप्रयाग और वहां से लूँगा बस। तो गया हूं सोनप्रयाग। सो गाइस मेरे पीछे है SBI का ATM और मैंने अभी इसमें से पैसे निकाल लिए। तो भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि जब कभी आप केदारनाथ या किसी भी जगह पे आएँ तो अपने साथ कैश कैरी करें। ऑनलाइन यहाँ पर कोई लेगा नहीं आपसे। ATM बाई चांस आपको मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो आप रहेगा दोस्तों। सो गाइस मैं फाइनली पहुँच गया हूँ ये सीतापुर की पार्किंग में, और यहीं से ये बस स्टैंड भी है दोस्तों, तो यहीं से बस मिलेगी। अभी अंदर जा रहा हूँ दोस्तों, बस रोड पे ही हूँ मैं, और फिर पता करता हूँ कितने की टिकट है, फिर बताता हूँ आप लोगों को। सो गाइस फाइनली मुझे मिल गई है टैक्सी, और इसका फेयर कितना है वो मुझे अभी तक पता नहीं है, लास्ट में पता लगेगा जब ड्रॉप होगा। कोई गाड़ी मिली नहीं थी, बहुत मुश्किल से टैक्सी मिली है। जो भी है तो एक बार कर बोला था, जो भी इंफॉर्मेशन होगी दोस्तों पैसे से रिलेटेड मैं आपको और बता दूंगा। ड्राइवर ने गाड़ी रोकी थी तो सोचा क्यों ना चलो चाय वगैरह पीते हैं। और लोकेशन देख लो भाई, लोकेशन है दादा, कौन सी जगह है ये? हैं बांसवाड़ा। क्या बात, बांसवाड़ा भाई, जगह का नाम है बांसवाड़ा, और ये लोकेशन है, और ये हमारे ड्राइवर भाई हैं जो हमें लेके जा रहे हैं। ये बांसवाड़ा का रेस्टोरेंट है वाला, रेस्टोरेंट का नाम देख लो। हेलो गाइस, मैं चेन्नई की, आपका स्वागत है चेन्नईपुरी शास्त्र में। बिल्कुल भाई, क्या अमन सिंह, ये अमन भाई हो गए हमारे, भाई का नाम अतुल भाई, भाई का नाम मोनू भाई, ये मोनू भाई हो गए दोस्तों। ये इसी गाड़ी के मुझे मिले हैं, इन्हीं के साथ में ये भाई हो गए रेस्टोरेंट भी हैं दोस्तों। और दोस्तों भाई लोगों के साथ अच्छा सफ़र कट रहा है और कोई दिक्कत नहीं हो रही है, हंसी मजाक चल रहा है, जा रही है, सफ़र भी बहुत बढ़िया कट रहा है दोस्तों। और आप जैसा कि सभी जानते हैं कि घर जाने का टाइम है दोस्तों, तो आई होप सब कुछ अच्छा रहेगा। गाइस आ चुकी है हमारी चाय और ये आ गए हमारे बिस्कुट, अब इस चाय को और बिस्कुट को लेते हैं और पूरे ट्रिप के करते हैं मज़े, क्योंकि दोस्तों फिर मौका नहीं मिलेगा मज़े करने का। मज़ेदार है। सो दोस्तों ये सारे लोग हमारी गाड़ी में ही मिले जिसमें मैं आया हूँ, और दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ उस टैक्सी का जो फेयर है वो अराउंड 1000 है, जो कि मुझे नहीं पता था पहले। दोस्तों मैं तो बैठ गया, क्योंकि अगर मैं नहीं बैठता तो उसके बाद कोई गाड़ी नहीं है जो मुझे घर पहुँचा सकती है। तो गांजे के पेड़ लगा रखे केदारनाथ में, मिल नहीं तो उनको बता देते ना, उन जो आपके बगल में बैठी हुई हैं। अरे ये ठीक है, सब दो दिन रुकने का प्लान था, तब को 5 दिन में बदल गया समझ नहीं। तो आप बता देते ना मेरे को फोन करके कि मैं आ रही हूँ, तो मैं वहीं खड़ा हो जाता जाके। ये बॉय फोन करके मैं बाइक लेके आया था लेकिन छोड़नी पड़ी, तो मैं सीधा वहीं से पिक कर लेता, इतना झमेला नहीं उठाना पड़ता। छोड़ उतार दो भाई, नहीं है
चलो भाई रोटी पानी और आराम हो गई यार। अगली बार ना गढ़वाली सीख के आऊंगी मैं। इंजॉयमेंट की भी कोई गुंजाइश नहीं हो, खत्म है सब गुंजाइश, सारी गुंजाइश खत्म कर दी इन्होंने। सुबह सब बस निकल गई, सुबह 6 बजे सब बस खाली तो है। शाम तक अगर भरत हरिद्वार हरिद्वार में यार पता है मेरा जो दोस्त है ना वो देहरादून से ऋषिकेश आता है सिर्फ और सिर्फ जैमिंग के लिए। सिर्फ क्यों? उसका पैशन म्यूजिक है। वैसे वो सिविल इंजीनियर है तो उसका पैशन म्यूजिक है इसलिए। और भाई मतलब इतना सही लगता है ना जब हम बैठ के वहाँ पे कि माँ कसम प्रपोज करने का मन करता है। नहीं बिल्कुल बिल्कुल म्यूजिक बहुत अट्रैक्ट भी करता है क्योंकि मैं भी गाती हूँ तो अगर कोई मुझे ऐसे मिल जाता है ना जो गाता है बजाता है तो बिल्कुल गाता है बजाता है तो वही इज अ गिटारिस्ट। चलो भाई अच्छी बात है, इनकी इनकी सोलो ट्रिप और मेरा व्लॉग दोनों ही बहुत अच्छे से और बड़े मजे से बन गए। अब सब उतरने का टाइम आ गया सबका, अब धीरे धीरे सब उतरने वाले हैं। अब शुरुआत होगी उस इंसान से स्नेहा से जो इसने आज ही उतर गई, किराया बिना दिए उतर गई। वाह ट्यून चेंज है मामा ये भैया देख सकते हो क्या हो रहा है आजकल सामने बुला रही है। नहीं वो भूल गई होंगी यार कोई बोल मैंने बोला है मैंने बोला है पैसे दे दिए हां मुंह हिला दिए हां दे दिए हां दे दिए होता है ट्यून चेंज है मामा दे दिए भाई पैसे ओके पैसे चलो नहीं उन्होंने बोला था यार ये ध्यान मिल रहा है अरे ध्यान नहीं रहा होगा ना कोई सुनी यार कोई सुनी हेलो गाइस हां बोलो बोलो अब बोल दो कुछ अच्छा सा बोलो Hello guys, कैसे हो? My name is Sheena. Sheena. अब देखने से मिलेगी बस स्टैंड ये तो रहा। आधार के जा। हाँ पहुँच गए हम लोग। Finally पहुँच गए हैं। खड़ा हो नहीं जाएगा तेरी हिम्मत नहीं है। So guys, finally आ चुके हैं बस स्टैंड पर ऋषिकेश के और टाइम पता नहीं क्या हो रहा है दादा। इस विजय भाई की भी पूरी इन्फॉर्मेशन भाई नंबर बता रहे हैं अपने नंबर भाई ये विजय भाई हैं अपने जिनकी गाड़ी में हम बैठ गए हैं। भाई का नंबर क्या है भाई? तो भाई जिसको भी कोई कांटेक्ट करना हो भाई से गाड़ी से रिलेटेड आना हो जाना हो केदारनाथ तो भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी अपना डिस्क्रिप्शन में एक बार नंबर दे दूंगा भाई की पूरी डिटेल दे दूंगा आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं भाई लोगों के। चलो भाई अब यहाँ से देखते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना वो आपको मैं बता दूंगा क्या कैसे कैसे सीन है आगे का घर जाने का तो चलते हैं दोस्तों फिर। सो गाइस फाइनली मैं पहुंच चुका हूं अपने घर के पास लेकिन अब भी नहीं आया दोस्तों और अभी थोड़ा सा बाकी है मेरा घर यहां से। एंड दोस्तों ये था छोटा सा व्लॉग केदारनाथ से बैक टू दिल्ली का। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा और वीडियो पसंद आया सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कर देना साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर देना। एंड गाइस मिलता हूँ जल्दी किसी नेक्स्ट व्लॉग में जब तक के लिए देखते रहो अमेज़न टेक केयर बाय बाय।